हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। और आज हम लोग देखेंगे व्हाट आर एरेज इन सी। ओके, और उसके बाद हम उसके टाइप्स पे भी जाएंगे, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए हमने ये सोचा है कि आज हम सिर्फ 1D एरे के बारे में बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन टू एरे, ठीक है। और इसके बाद आपको पता ही है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरेज, 1D, 1D एंड 2D, ठीक है। और जिसमें से हम 1D एरे को आज कवर कर पाएंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 2D एरे के बारे में डिस्कस करेंगे। फाइन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि व्हाट इज एरे, या फिर आप ऐसे समझिए कि व्हाट इज नीड ऑफ एरे। तो अगर हम जरूरत की बात करें, लाइक हमारे पास एक एग्जाम्पल भी गिवन है कि अगर एक क्लास में 1000 स्टूडेंट्स हैं और हम उनके मार्क्स को स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर 1000 स्टूडेंट्स के मार्क्स को आपको स्टोर करना है, तो एक तरीका तो ये है कि हम क्या करें, जितने अगर मेरे पास 1000 स्टूडेंट है, तो हम 1000 डिफरेंट वेरिएबल्स क्रिएट करें, है ना, और उसके बाद हम उसमें वैल्यूज़ को स्टोर कराएं और उसके बेसिस पे हमें जो प्रोसेसिंग करनी हो करें, ठीक है। तो आप ये इमेजिन करिए कि ये जो टास्क है वो कितना हेक्टिक हो जाएगा। वी आर गोइंग टू क्रिएट 1000 वेरिएबल, राइट। और ये तो मतलब बहुत ही कैसा कहने कि सही तरीका नहीं है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो इस वजह से दूसरा जो अप्रोच आता है कि अगर आप सेट ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एक बॉक्स चाहिए। लाइक अगर हमें ढेर सारी पेन को स्टोर करना है, सेम टाइप की जो पेन्स हैं, अगर हम उनको एक सोचते हैं कि बॉक्स में स्टोर कर लें, तो वही सेम तरह का जो कंसेप्ट आता है वो एरे में आपको मिलेगा, ठीक है। मीन्स आपके पास ढेर सारे एलिमेंट्स हैं, लाइक हमारे पास 1000 स्टूडेंट के मार्क्स को स्टोर करना है, तो हम एक एस नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करें और उसके साथ हम एक साइज़ प्रोवाइड कर दें, ठीक है, कि हमें कितने डेटा को स्टोर करना है। जैसे यहाँ पे फिक्स कर दिया गया कि हमें स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है और कितने स्टूडेंट हैं, तो 1000, ठीक है। और वो डेटा किस तरह का होगा हमें यह भी बताना पड़ेगा। तो एरे का हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमें ढेर सारे एलिमेंट्स और जो आपस में रिलेटेड हैं उनको स्टोर करना हो, ठीक है। तो और हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर लेके चलना होगा ताकि हमारा जो काम है वो आसान, जब भी हम किसी भी डेटा को एक्सेस करना चाहें तो वो इजीली एक्सेस कर पाएँ, ठीक। तो अब हम एरे के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो मैंने आपको एक रियल वर्ड एग्जांपल, मतलब चीज़ों को आसान करने के लिए बताया। लाइक अगर आपके पास पेन का बंडल है, ठीक है, तो अगर सेम टाइप की पेन्स को हम एक बॉक्स में रख दे रहे हैं, ठीक है, और अलग तरह की पेन्स को एक अलग बॉक्स में रख रहे हैं, तो ये आपका जो एरे है सेम वही चीज़ है, इट इज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, ओके। और इसके साथ साथ कंडीशन ये है कि हर एक एलिमेंट सेम डेटा टाइप का होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक एरे बनाया, उसके कुछ एलिमेंट्स हैं वो इंटीजर टाइप के हैं, कुछ फ्लोट टाइप के हैं, कुछ आपके कैरेक्टर टाइप के हैं, दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट। अगर आप कह रहे हैं कि हमने एक एरे क्रिएट किया है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेम डेटा टाइप के होंगे, ठीक है। अगर आप सिंगल एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो आपको किसी भी एरे को क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप मल्टीपल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं विच आर सिमिलर इन नेचर, और जो मतलब कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, तभी आपको एरे की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम टाइप दैट आर रेफरेंस्ड बाय अ कॉमन नेम, ठीक है। सेम नेम से ही हम इसको क्रिएट करेंगे। जैसे मैंने बताया कि इफ यू वॉन्ट टू स्टोर द 1000 स्टूडेंट डेटा, तो हम करेंगे एस कितने स्टूडेंट का डेटा है, 1000। और अगर आपको पता है कि मार्क्स किस टाइप का होगा, तो मान लो हमने कह दिया कि इट इज ऑफ फ्लोट टाइप, ठीक। तो ये हमारा हो गया एरे डिक्लेरेशन, ठीक है। और अभी हम इनिशियलाइजेशन वगैरह बाकी सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और एक चीज़ कि आपके जो एलिमेंट्स हैं, अगर आप इसको इमेजिन करते हैं कि आपका जो एरे होता है वो मेमोरी में, या कोई भी वेरिएबल जो होता है मेमोरी में कैसे स्टोर होता है, लाइक दिस इज आर मेमोरी, अगर हम इसको बाइट बाइट कंसीडर करें, तो इट इज कलेक्शन ऑफ सो मेनी बाइट्स, ठीक है। तो जैसे आप ऐसे सिंगल स्टेटमेंट लिखा आपने, इंट हमने एक वेरिएबल लिया क्या, एक्स, ठीक। तो एक्स किस तरह का है, इंटीजर है, इंटीजर मेमोरी में कितने बाइट्स को लेता है, 2 bytes, ठीक है। मेमोरी में इसे कितने बाइट्स चाहिए, 2 bytes चाहिए। तो ये हमारा, ये एक बाइट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, एक बाइट को ये, तो मतलब एक्स को स्टोर करने के लिए हमें इतना मेमोरी लोकेशन रिजर्व करना पड़ेगा। तो ये हुआ एक वेरिएबल की बात, ठीक। लेकिन जब हम एरे की बात करते हैं, जैसे हमने लिखा कि इंट एक्स और इसके साथ हम इंडेक्स में लिख देते हैं 10, ठीक। अब ये क्या बन गया, ये एक एरे बन गया। अब ये एक सिंपल वेरिएबल नहीं है, ये एक एरे है, मीन्स सेट ऑफ एलिमेंट्स, जो ये बता रहा है कि एक्स नाम का एक एरे है जिसके पास 10 एलिमेंट्स हैं, मीन्स इट इज कलेक्शन ऑफ 10 एलिमेंट्स, राइट। तो जैसे हमने एक एक्स के लिए, मतलब ये बना हमारा, अब हम एक्सेस कैसे करेंगे, इंडेक्स के बेसिस पे, ये हमारा x0 होगा, फिर
अगला वाला 2 बाइट हमारा x1 बनेगा, इसके बाद नेक्स्ट जो बाइट है वो x2 बनेगा एंड सो ऑन। मींस जो एलोकेशन होगा, मेमोरी एलोकेशन हमेशा कंटिगुअस लोकेशन का होता है, ठीक है। एलिमेंट्स आपके कंटिगुअस मतलब सेम सीक्वेंस में ही स्टोर होंगे, ऐसा नहीं है कि रैंडमली कहीं पे भी आपका डेटा स्टोर हो जाए। तो दूसरी बात तो ये हुई, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि हम किस तरह से एरे के बारे में बात करें। मतलब अगर हम एक ब्लॉक, हम ये मान लें कि दिस इज ऑफ 2 बाइट्स और आप इंटीजर कर रहे हैं, तो इस तरह से आपके 10 ब्लॉक्स आपके रिजर्व हो जाएंगे फॉर x, ठीक है। तो ये हुआ हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन, अभी हम सारी चीज़ें आगे भी डिस्कस करेंगे। सो कंपेयर टू द बेसिक डेटा टाइप इंट, फ्लोट एंड कैरेक्टर, इट इज़ एन एग्रीगेट और डिराइव डेटा टाइप। मींस आप जो है, हमारे पास अगर आपको डेटा का आइडिया हो तो हमारे पास जो डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें हम कहते हैं देर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स, एक होता है प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव, राइट। तो प्रिमिटिव वाला होता है जो आपके बेसिक डेटा टाइप है इंट, फ्लोट एंड कैरेक्टर, और डिराइव्ड या नॉन प्रिमिटिव जो होते हैं उसमें आपका एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन, ये सारा आता है जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे ऑक्यूपाई अ सेट ऑफ कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन। मैंने बता भी दिया आपको कैसे, जैसे यहाँ से एलोकेशन अगर आपका स्टार्ट होता है तो दो दो बाइट के कितने स्पेसेस रिजर्व हो जाएंगे, इसके अकॉर्डिंग 10 स्पेसेस आपके रिजर्व हो जाएंगे, ठीक है। एंड वाई नीड टू यूज़ एरे टाइप, इसके लिए हमने ये बता भी दिया है कि भाई हमें पता है कि मार्क्स हमारे किस तरह के होंगे, है ना। तो उसके लिए हमने कहा कि नो, इट्स अबाउट कि आपका एरे हमें यूज़ करने की ज़रूरत क्या है, तो उसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि हमें 1000 स्टूडेंट, लाइक हम अपने क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका रोल नंबर स्टोर करना चाहते हैं या उनके मार्क्स स्टोर करना चाहते हैं, तो हमें एक ऐसा डेटा टाइप चाहिए जो हमारे डेटा को सही तरीके से स्टोर भी कर सके और इजी एक्सेसिबिलिटी भी प्रोवाइड करे, ठीक है। तो ये इशू था जिसको हमने एरे की हेल्प से सॉल्व किया, इसलिए हमें एरे डेटा टाइप की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, कैन यू इमेजिन हाउ लॉन्ग वी हैव टू राइट द डिक्लेरेशन पार्ट बाई यूजिंग नॉर्मल वेरिएबल। जो हमने सिनेरियो लिया था कि स्टूडेंट मार्क 1, 2, 3, 4, 998, 999 एंड 1000, सोचिए 1000 वेरिएबल्स आप क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये कितना अनरियलिस्टिक है, ये वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा था उस टाइम पे जब मैं एक्सप्लेन करना चाह रही थी। सो दिस इज़ द रीज़न वाई वी नीड टू यूज़ एन एरे। जब भी आपके पास एक ऐसा सिचुएशन आए जहाँ पे आपको ढेर सारे एलिमेंट्स जो कि आपस में रिलेटेड हैं उन्हें स्टोर करना है, तो उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ता है, एरे टाइप का डेटा लेना पड़ेगा, ठीक है, एरे डेटा टाइप लेना पड़ेगा। तो दिस इज़ हाउ वी डिक्लेयर द एरे। जैसे हमने स्टूडेंट मार्क्स की बात करी थी तो हमने एक्स लिया था, लेट्स सी यहाँ पे लिखा हमने स्टूडेंट मार्क्स। देखिए, वेरिएबल डिक्लेरेशन का एक सबसे सही मेथड ये होता है कि आप वेरिएबल को इस तरीके से डिक्लेयर करें कि वो अपनी मीनिंग या उसका पर्पस क्लियर होता रहे, ठीक है। तो ये हुआ हमारा स्टूडेंट मार्क, और कितने स्टूडेंट्स का हमें डेटा चाहिए, 1000, और उसका डेटा टाइप इंटीजर ले रहे हैं। मार्क्स वैसे हम ये मान ले रहे हैं कि मान लीजिए इंटीजर ही होगा, अदरवाइज आप फ्लोट भी कर सकते हैं, कैरेक्टर तो नहीं होगा। कैरेक्टर अगर हम ग्रेड की बात करते तो कैरेक्टर लेते, ठीक है। सो ये क्या करेगा, दिस विल रिजर्व 1000 कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन फॉर स्टोरिंग द स्टूडेंट्स मार्क्स, ओके। और इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जैसे स्टूडेंट और एक्सेस कैसे किया जाएगा कि भाई देखिए, और हमेशा जो इंडेक्सिंग होती है वो हमेशा एरे के केस में जीरो से स्टार्ट होती है, आप इसे वन से अज्यूम नहीं करेंगे। तो देखिए, 0, 1, 2 आपके कंटिग्यूअस, ये आपकी मेमोरी है, इस मेमोरी के कंटिग्यूअस ब्लॉक्स आपके क्या हो गए हैं, रिजर्व हो गए हैं। और इसका आप ये देखिए कि किस तरह से ये रिजर्व हुआ है, 0 मतलब ये स्टूडेंट नंबर 1 के मार्क्स को रिप्रेजेंट करेगा, 1, 2, 3 एंड देखिए 999। तो आपके पास जो इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है और वो कहाँ तक जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मीन्स 1000 माइनस 1, ठीक है। तो ये 999 तक जाएगा, ठीक है। और इसके साथ आपका डेटा टाइप आपके पास मींस स्टोर्ड डेटा ऑफ टाइप इंटीजर, ये देखिए हमारे पास डेटा स्टोर्ड है, ठीक है। और ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 इंस्टेड ऑफ 1, आपका ये सबस्क्रिप्ट है, ये मैंने ऑलरेडी भी बताया है, ये आप एक्सेस ऐसे करेंगे। और एरे का नाम क्या है, स्टूडेंट मार्क, ठीक है। और मेमोरी स्टोरेज, मतलब सिनेरियो मैंने जिस हिसाब से एक्सप्लेन किया था उसी हिसाब से चीज़ें सामने फिर से आ रही हैं, तो आपको एक एक टर्म क्लियर हो जाए कि हम किस तरह का डेटा स्टोर कर रहे हैं। इंटीजर, ये जो चीज़ें लिखी हूँ ना, 0, 1, 2, 3, इसे हम क्या कहते हैं, इंडेक्स, ठीक है। और अगर आपको एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो जो भी आपके इंडेक्स वैल्यू है वो एरे के नाम के साथ रखते जाइए और आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। जैसे जब आप प्रिंट कराएंगे स्टूडेंट मार्क 0, तो ये आपको क्या बता रहा है, 43। और जब आप लिखेंगे स्टूडेंट मार्क और ये सबस्क्रिप्ट में देंगे 1, तो ये 70 देगा। जब सबस्क्रिप्ट में देंगे 2, तो ये देगा 56 एंड सो ऑन, ठीक है। और एरे का नाम वगैरह आपको पता ही चल गया है। नेम, देखिए डिक्लेरेशन में क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले एरे का क्या डेटा टाइप है,
एरे का नेम क्या है और आप कितने कंटिग्यूस ब्लॉक को रिजर्व करना चाहते हैं और वो कहाँ से स्टार्ट होगा, फ्रॉम जीरो टू, अगर हम साइज को एन माने तो इट विल बी फ्रॉम जीरो टू एन माइनस वन, ठीक है। अब सबसे पहले हम इस चीज़ के बारे में बात करें कि हमारा जो एरे होता है वो कितने टाइप का होता है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरे, एक होता टू नहीं थ्री टाइप्स ऑफ एरे, हमारे पास 1D भी होता है, 1D एरे, 2D एरे, 3D एरे, मतलब हम यही बेसिकली देखते हैं, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, हम 1D एरे को कवर करेंगे। एक छोटा सा अगर मैं रिप्रेजेंटेशन दूँ तो जो सबसे पॉपुलर है, जो आपके काम आएगा, वो है 1D एरे एंड 2D एरे। तो 1D एरे आपको किस फॉर्म में मिलता है, लिस्ट के फॉर्म में, जो एलिमेंट्स हैं दोज आर अरेंज्ड इन फॉर्म ऑफ लिस्ट, मतलब कुछ ऐसा, ऐसे लिस्ट के फॉर्म में, ठीक। लेकिन जब हम 2D एरे के बारे में बात करते हैं तो एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन फॉर्म ऑफ टेबल, ठीक है, इस तरह से टेबल के फॉर्म में डेटा हमारा स्टोर करता है। तो ये हमारा दो मतलब बेसिक डिफरेंस है कि 1D एरे इज इन फॉर्म ऑफ लिस्ट, ठीक है, एंड 2D एरे इज इन फॉर्म ऑफ टेबल, ठीक। सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस, और इसी तरह जब हम आगे बढ़ेंगे तो बाकी चीज़ें भी बताते चलेंगे। सो व्हाट इज डायमेंशन, डायमेंशन रिफर्स टू द एरे साइज विच इज हाउ बिग द एरे इज, ठीक है। डायमेंशन आपके एरे साइज को रिप्रेजेंट करता है, और जब हम सिंगल या वन डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करते हैं, देखो वन डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करते टाइम जो एरे का नेम है, मान लीजिए एक्स है, तो उसके साथ हम एक सिंगल सबस्क्रिप्ट लगाते हैं और उसके साथ उसका साइज देते हैं, ठीक। अच्छा, जब हम टू डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करते हैं तो उसके साथ ये हमारे पास दो ये ब्रैकेट्स लगते हैं, ठीक है, दो सबस्क्रिप्ट लगाते हैं, ठीक है। जब हम 3D की बात करेंगे तो हमारे पास ये एक और बढ़ जाएगा। तो ये तो हुआ हमारा बेसिक डिफरेंस, ठीक है, कि डिक्लेरेशन का, कि जब हम वन डायमेंशनल एरे की बात करें तो इस तरह से डिक्लेरेशन होगा, 2D की बात कर रहे हैं तो इस तरह से डिक्लेरेशन होगा, और 3D की बात कर रहे हैं तो तीन सब्सक्रिप्ट लगेंगे और इसके साथ वैल्यूज होंगी। मतलब अगर आपका एरे साइज है 10 का, यहाँ पे मान लीजिए आपके बताना, यहाँ पे बताते हैं भाई टेबल के फॉर्म में है तो कितने रो और कितने कॉलम, 4 रोज एंड 5 कॉलम्स। मान लीजिए इसी तरह से कितने, एक्चुअली डिफिनेशन कैसे बनती है कि 2D एरे इज कलेक्शन ऑफ 1D एरे एंड 3D एरे इज कलेक्शन ऑफ 2D एरे, ठीक है। तो ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर हम सारी चीज़ें एक साथ लेके चलेंगे, तो बेहतर है कि हम लोग वन डायमेंशनल एरे के बारे में पहले बात कर लें, राइट। ओके, सो अ सिंगल और वन डायमेंशनल एरे डिक्लेरेशन हैज द फॉलोइंग फॉर्म, दिस इज एरे एलिमेंट डेटा टाइप, मीन्स सिंपल डेटा टाइप, व्हाट इज नेम ऑफ एरे एंड एरे साइज, जो अभी तक आपने पढ़ा है, ठीक है। सो एरे नेम इज एनी वैलिड C++ आइडेंटिफायर नेम दैट ओबेज द सेम रूल फॉर आइडेंटिफायर नेमिंग। जैसा आपको नियम पता होना चाहिए कि आप किस तरह से वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, वही आपका सेम रूल यहाँ पे फॉलो होता है जब आप एरे के लिए नेम डिक्लेयर करते हैं, ठीक। एरे साइज डिफाइंस हाउ मेनी एलिमेंट्स द एरे विल होल्ड, ओके ओके। सो अगर आपको एक एरे डिक्लेयर करना है फॉर 30 कैरेक्टर्स दैट कंस्ट्रक्ट अ पीपल नेम, वी कैन डिक्लेयर, कैसे डिक्लेयर करेंगे, कैरेक्टर सी नेम, मींस हमें एक पीपल नेम के लिए डिक्लेरेशन करना था तो एक हम सी नेम, कस्टमर नेम मान लीजिए, और कितने कैरेक्टर्स के लिए, 30 के लिए, तो हमने देखिए साइज क्या दे दिया, 30, ठीक है। तो अब इसकी इंडेक्सिंग कैसे हो रही है, वैसे इसकी इंडेक्स वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, साइज क्या है 30, तो ये कहाँ तक जाएगा, ऑब्वियसली 29, ठीक है। और इसके बाद अगर इसको एक्सेस करना हो तो कैसे करेंगे, सी नेम 0 जे को रिप्रेजेंट करेगा, सी नेम 1 ओ को रिप्रेजेंट करेगा, सी नेम 2 डी। तो हमारे पास हम कई सारी चीज़ों को हमने हैंडल कर लिया कि हमने पहली चीज़ तो सेट ऑफ एलिमेंट को कंटिन्यूस ब्लॉक्स में स्टोर कर लिया, बहुत बढ़िया। इसके साथ साथ हमारी जो एक्सेसिबिलिटी है, जो अगर हम इंडेक्स वैल्यू दे के बहुत आसानी से वैल्यूज़ को एक्सेस भी कर सकते हैं, इससे रिलेटेड प्रोग्राम भी है, वी विल सी फर्दर, वन सेकेंड। ओके, सो इन दिस स्टेटमेंट द एरे कैरेक्टर कैन स्टोर अप टू 30 कैरेक्टर्स विद द फर्स्ट कैरेक्टर ऑक्यूपाइंग लोकेशन सी नेम 0 एंड द लास्ट कैरेक्टर ऑक्यूपाइंग सी नेम 29, ओके। तो इंडेक्स रन्स फ्रॉम 0 to 29, ये सारी चीज़ें हमने पहले से ही बात करी हुई है कि अगर आपके पास जो भी साइज होता है उसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है एंड साइज -1 पे एंड होता है, ठीक। सो एरे साइज एंड सब्सक्रिप्ट इंडेक्स, मेरे ख्याल से सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि आपको जब भी एरे के एलिमेंट को एक्सेस करना है तब हमें इसके साथ ये सब्सक्रिप्ट लगा के और उसके इंडेक्स वैल्यू को दे देते हैं, ठीक। इंडेक्सिंग क्या है, इंडेक्सिंग है ये जो हम ये 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे लिख रहे हैं, ठीक। जो हम सब्सक्रिप्ट लिखते हैं, ठीक है, तो मतलब एक्सेस करने के लिए हम इसको नेम के साथ और उसका इंडेक्स वैल्यू देते हैं, ठीक है, ओके।
सो वन डायमेंशनल एरे डिक्लेरेशन का आप देख लीजिए एग्जांपल्स कि अगर इंटीजर टाइप का है तो हमने देखिए 20 साइज का दे दिया, वाई नम ऑफ 50 साइज। तो अगर आप अच्छा एक चीज़ और कि अगर आप ये सोचें कि कितना स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है, तो हमें ये पता है कि आपका जो इंटीजर होता है वो एक इंटीजर वैल्यू कितने स्पेस ऑक्यूपाई करती है, 2 bytes, ठीक है, मेमोरी में 2 byte का स्पेस लेती है। अगर आप 20 नंबर्स को स्टोर करने जा रहे हैं तो टोटल कितना मेमोरी एरिया रिजर्व होगा, 20 into 2 मीन्स 40 bytes, ठीक है। इसी तरह 50 के लिए बात करें तो इट इज़ गोइंग टू बी 50 into 2 मीन्स 100 byte का कंटिग्यूस मेमोरी लोकेशंस आपके क्या हो जाएंगे, रिजर्व हो जाएंगे, ठीक है। ओके, द फर्स्ट एग्जाम्पल डिक्लेयर टू एरे नेम्ड, येस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दीज पॉइंट्स, आप इसे खुद से भी रीड कर सकते हैं वीडियो पॉज करके अगर आपको कुछ डाउट आए बाद में। तो द सेकेंड लाइन डिक्लेयर्स द एरे एफ प्राइस ऑफ टाइप फ्लोट, इट कैन स्टोर अप टू 10 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज, ओके, एंड ये हमारा फ्लोटिंग पॉइंट एंड दिस इज योर नॉर्मल वेरिएबल, ठीक है, कैरेक्टर है। और अगर इंडेक्सिंग की बात करें तो ये कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 to 19 एंड ये 0 to 49 एंड ये 0 to 9 हो जाएगा और ये 0 to 69, ठीक है, ओके। लेकिन एरे के लिए एक और ख़ास बात है, जब आप कैरेक्टर को डिक्लेयर करते हैं तो हमें उसके टर्मिनेशन को डिक्लेयर करना पड़ता है, हमें किसी भी कैरेक्टर के टर्मिनेशन को दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो उस केस में हम 69 तो हमारे पास कैरेक्टर होंगे प्लस एक एक्स्ट्रा स्पेस लेते हैं सो दैट वी कुड स्टोर द टर्मिनेशन कैरेक्टर। सो जब कैरेक्टर हम यूज़ करते हैं, इट कैन स्टोर अ स्ट्रिंग अप टू 69 कैरेक्टर्स, बट हम इसके लिए कितना एरिया लेंगे, दैट इज 70। सो अ स्ट्रिंग हैज़ अ नल टर्मिनेटिंग कैरेक्टर /0 एट एंड, सो वी मस्ट रिजर्व फॉर इट। तो हमें एक लास्ट जो लोकेशन होती है जब आप कैरेक्टर वैल्यूज लेके चलते हैं, कैरेक्टर एरे लेके चलते हैं, तो हमें उसको ये इस तरह के सिंबल से टर्मिनेशन दिखाने के लिए उसको स्टोर करना पड़ता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, फाइन। सो एन एरे मे बी इनिशलाइज्ड एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, एरे को आप कभी भी डिक्लेयर कर सकते हैं, इनिशलाइजेशन के टाइम पे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, बाद में नेक्स्ट लाइन में इनिशलाइजेशन के बाद भी कर सकते हैं। सो गिविंग इनिशियल वैल्यू टू एन एरे, कैसे करेंगे आप, इसका डेटा टाइप, एरे का नेम, साइज और उसके साथ लिस्ट ऑफ वैल्यूज। जैसे हमने क्या कहा, इंट नंबर दिया, आईडी नंबर और कितने साइज का है, 7, मतलब इसमें 7 एलिमेंट्स आएंगे। तो 1, देखिए हमने डायरेक्ट वैल्यूज दे दी, इसी तरह फ्लोट टाइप की हम सारी वैल्यूज दे रहे हैं कैरेक्टर के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, ए ई आई ओ यू, ये तो 5 हमारे पास स्पेस था और जो आखिरी स्पेस है उसको हम टर्मिनेशन के लिए रिजर्व करके रखते हैं। तो आपके पास जैसे अगर आपने कैरेक्टर एरे को 7 साइज का डिक्लेयर किया है तो जो वैल्यूज स्टोर होंगी वो 6 वैल्यूज होंगी, आखिरी वाला लोकेशन जो है वो नल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, एक लोकेशन आपको टर्मिनेशन के लिए रिजर्व करना पड़ता है, ठीक है, ओके। तो अगर आपको एक्सेस करना है, अगर वैल्यूज़ को आप फाइंड करना चाहते हैं या आप अलग से असाइन करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से, जैसे आप ऐसे लिख दीजिए आई डी नम 0, जैसे हम इसको ऐसे लिखते हैं आई डी नम 0 इज इक्वल्स टू 5, या आई डी नम ऊपर लिख देते हैं आई डी नम 1 इज इक्वल्स टू 9, एक करके भी आप असाइन कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। सो 1 सेकेंड क्लियर कर देते हैं स्क्रीन, सोचा था कि वीडियो थोड़ा छोटा ही बने लेकिन ये बड़ा ही हो जा रहा है। द फर्स्ट लाइन डिक्लेयर्स एन इंटीजर एरे आई डी नम एंड इट इमीडिएटली असाइन 1, 2, 3 अप टू 7 टू आई डी नम 0, मतलब ये क्या है आपका, दिस इज आई डी नम 0, आई डी नम 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ठीक है। द और अब असाइनमेंट वगैरह सारा कुछ हो गया है, लास्ट वन इज रिप्रेजेंटिंग द कैरेक्टर। तो आप अगर 6 साइज का कैरेक्टर एरे डिफाइन कर रहे हैं तो एक लोकेशन आपके नल टर्मिनेशन को के लिए रिजर्व हो जाएगी। तो एक सैम्पल प्रोग्राम है कि मान लीजिए आपने एक एरे क्रिएट किया, इंट मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट आप स्टोर करना चाहते हैं, तो एक तरीका आपने ये देख लिया है कि किस तरह से आप वैल्यूज़ को इनिशलाइज करेंगे, ठीक है। दूसरा अप्रोच क्या है, मार्क्स 0 इज इक्वल्स टू 80, 1 इज इक्वल्स टू 60, 2 इज इक्वल्स टू 70, 3 इज इक्वल्स टू 85 एंड लास्ट वन इज दिस। अब इसको अगर आप प्रिंट कराना चाहते हैं तो लूप अगर आपने आई होप पहले पढ़ा होगा तभी आप एरे तक पहुँचे हैं, तो उसके लिए आप कैसे करेंगे, एक हमने लूप चलाया, कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो परसेंट डी, डेटा टाइप क्या था हमारा, इंट है, तो इंटीजर के लिए स्पेसिफायर हमने मेंशन करा, और उसके बाद मार्क्स आई, देखिए जब आएगा आई इज इक्वल टू 0, जब पहले लूप में आए आई की वैल्यू क्या थी, 0, तो ये क्या करेगा, मार्क्स 0 को प्रिंट करेगा सबसे पहले, ठीक है। ये वैल्यू क्या होगी आपकी, 80, फिर आपका ये इंक्रीमेंट होगा फॉर लूप में, ठीक है। तो अब आई की वैल्यू हो जाएगी 1, तो हो जाएगा मार्क्स 1, मार्क्स 1 की वैल्यू क्या है,
60 को प्रिंट कर देगा, फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, 2 हो जाएगी तो ये 70 प्रिंट कर देगा, फिर ये वैल्यू 3 हो जाएगी तो ये 85 प्रिंट करेगा, एंड सो ऑन। मतलब जब इसे टर्मिनेशन कंडीशन, जैसे ये 4 पे पहुंचेगा तो इसे टर्मिनेशन कंडीशन मिल जाएगी, 75 को प्रिंट करने के बाद आप यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। तो ये है आपका सैम्पल प्रोग्राम ऑफ 1D एरे के बारे में हमने बात करी है। और मैं फिर से अगर रिकॉल कराऊँ तो 1D एरे आपका लिस्ट के फॉर्म में डेटा स्टोर करता है। अगर आप इसको एरे के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें, इसका रिप्रेजेंटेशन चाहें, तो ये कुछ ऐसा होगा कि 80, 60, 70, 85 एंड लास्ट वन इज 75, ठीक है। और ये हर एक 2-2 बाइट्स को स्पेस ले रहे हैं, और अगर इनकी इंडेक्सिंग की जाए तो इट इज मार्क्स 0, दिस इज मार्क्स 1, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा मार्क्स 2, और ये हमारा हो जाएगा मार्क्स 3। इसकी इंडेक्सिंग ऐसे करी जाएगी, एंड दिस इज़ योर मार्क्स 4, ऐसे एक्सेस किया जाएगा, ठीक है। सो अगर आप सिर्फ इंडेक्स वैल्यू जानना चाहते हैं तो इसके लिए ये 0, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। और ये हमारा हो गया फाइनल 1D एरे किस तरह से आप क्रिएट करते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग बात करेंगे 2D एरे के बारे में, जो आपका किस फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है, टेबल के फॉर्म में, एंड इट इज़ कलेक्शन ऑफ 1D एरे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।